अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से MD कैट 2022 को मुलतवी कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर MD कैट जो कि 14 सितंबर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ एग्जामिनेशन सेंटर्स में स्टार्ट हो रहा था और कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में इवन एंड ऑफ सेप्टेम्बर या अक्टूबर के महीने में भी स्टार्ट होना था, लेकिन अब इसको ताहुक्मे सानी मुलतवी कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि MD कैट को ताहुक्मे सानी पोस्टपोन किया जा रहा है। अब दो चीज़ें यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही हैं। पहली ये कि MD कैट कितनी देर के लिए डिले हुआ है, और दूसरी ये कि क्या ये खबर 100% ऑथेंटिक है और PMC की वेबसाइट के ऊपर या सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अभी तक कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो पहली बात कि MD कैट कितनी देर के लिए डिले हुआ है, इससे मुतल्लिक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ताहुक्मे सानी का मतलब है कि नेक्स्ट इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आएगा, लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इससे पहले भी जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत है उनकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई थी कि MD कैट को तकरीबन 1.5 से 2 माह के लिए पोस्टपोन किया जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 1.5 से 2 माह का टाइम लगेगा दोबारा इसको कंडक्ट होने में। बाकी ये है कि चूंकि अब वज़ीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम पॉइंट ये भी बताया गया था कि MD कैट जो है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट होगा, और प्रोविंशियल लेवल का मतलब ये है कि पंजाब में UHS, KPK में ईटा की तरफ से, सिंध में जो उनकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, मुमकिन है बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी हो या जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी या डो यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को अब MD कैट की कंडक्शन के लिए पूरी तैयारी करनी होगी, पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो मुमकिन है कि अक्टूबर के एंड में या मुमकिन है कि नवंबर तक भी MD कैट जो है वो चला जाए, और बाकी इस सिलसिले में जो कंफर्म टेस्ट डेट है वो बाद में अनाउंस की जाएगी। और अब ये टेस्ट एक ही दिन में कंडक्ट किया जाएगा। ज़ाहिर है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर अगर टेस्ट है तो ये सिंगल डे पर होगा, और इसके अलावा ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। जिस तरह पहले नेशनल लेवल के ऊपर PMC की तरफ से MD कैट कंडक्ट होता था कंप्यूटर बेस्ड, अब ये ऐसा नहीं होगा बल्कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगा, सिंगल डे पर होगा और पेपर बेस्ड एंटी टेस्ट लिया जाएगा। और दूसरी बात कि क्या ये बात 100% कंफर्म है और PMC की वेबसाइट पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया या सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर, तो देखिए इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़, जब आपके वज़ीर सेहत की तरफ से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है तो मेरा ख्याल है कि ये बात 100% गारंटीड है। और अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप इस बात को समझें कि वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के बिल्कुल साथ वाली सीट पर PMC के जो नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं वो बाकायदा तौर पर वहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये अनाउंसमेंट की गई है। आज ही के दिन PMC के नए मेंबरान की तैनाती की गई है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो नए सेलेक्ट हुए हैं। आज ही बोर्ड की बाकायदा तौर पर मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तमाम के तमाम पॉइंट्स डिसाइड होने के बाद ही वज़ीर सेहत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लिहाजा आप लोग इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, जितने भी डाउट्स हैं कि ये पता नहीं फेक है या अभी भी पता नहीं 100% कन्फर्म नहीं है या जब तक PMC की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप लोग बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएं कि ये 100% गारंटीड है कि आपका MD कैट डिले हो चुका हुआ है। बाकी रही बात PMC की, तो मुमकिन है आज या कल में PMC की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएंगे, लेकिन PMC की प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, ये तमाम पॉइंट्स को एलैबोरेट कर देना मोर देन इनफ है। फिर इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जो किसी वजह से MD कैट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि उन्हें 2 हफ्तों का मज़ीद टाइम दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई थी तो उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 2 हफ्तों के लिए पोर्टल दोबारा से ओपन किया जा रहा है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले किसी भी वजह से MD कैट के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो वो अब अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ था तो उनका जो रिकॉर्ड है, उनका सारा डेटा, वो अब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पंजाब के जितने भी बच्चे हैं उनका डेटा UHS के पास चला जाएगा, फिर UHS के थ्रू जो एंटी टेस्ट होगा पंजाब के बच्चे वो टेस्ट देंगे। इसी तरीके से जो KPK के स्टूडेंट्स हैं उनका सारा डेटा ईटा के पास चला जाएगा और वो टेस्ट ईटा के थ्रू देंगे। इसके अलावा MD कैट के पासिंग मार्क्स को भी कम कर दिया गया है। MBBS में एडमिशन के लिए इससे कबल 65% पासिंग मार्क्स रखे गए थे, उसको 10% रिडक्शन के बाद अब 55% कर दिया गया है, जबकि BDS में एडमिशन के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया था पहले MD कैट का वो 55% था और इसमें भी 10% रिडक्शन कर दी गई है, और BDS में एडमिशन के लिए अब जो नए पासिंग मार्क्स हैं वो 45% होंगे। MBBS में पासिंग मार्क्स 55% और BDS के लिए 45% होंगे। इसके अलावा वज़ीर सेहत का ये भी कहना था कि अगर फिर भी नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट ना हुई और खाली सीटें बच गई तो फर्दर इसके ऊपर नज़रसानी की जाएगी, यानी फर्दर भी MD कैट के पासिंग क्राइटेरिया को रिड्यूस किया जा सकता है ताकि किसी भी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में MBBS या BDS की एक भी खाली सीट ना बचे। तो MD कैट के पोस्टपोन होने से आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स खुश हैं या आप समझते हैं कि ये एक नई मुसीबत अब खड़ी हो गई है और आप इस फैसले से खुश नहीं हैं, तो उससे मुतलिक तो आप कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन
चाहे आप खुश हैं या ना खुश हैं, दोनों केसेस में एमडी कैट का जो टेस्ट है ये तो अब डिले हो चुका और अब आपको फर्दर तकरीबन 1.5 से 2 माह तक इस सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, दोबारा से अपनी प्रेपरेशन और रिविजन को इंश्योर करना होगा। इसके अलावा एन एल ई से मुतलक भी वज़ीर सेहत का ये कहना था कि इससे प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह दिया था कि एन एल ई को हम ख़त्म कर रहे हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट जो एम बी बी एस वगैरह कम्प्लीट करते हैं तो उन्हें एन एल ई का एग्जाम सिरे से नहीं देना पड़ेगा, जबकि अब्रॉड से जो स्टूडेंट्स डिग्री करके आते हैं मेडिकल से रिलेटेड तो उन्हें एन ई बी का टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर दोबारा से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एन एल ई ख़त्म करना है या नहीं करना। और आखिर में अगर आपके साथ मुख्तसरन वजह बताई जाए कि एम डी कैट को एक्चुअली में क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इससे पहले भी आपके साथ वीडियोज़ में मैं ये चीज़ शेयर करता आया हूँ कि पी एम डी सी को वापस लाने की मुकम्मल तौर पर तैयारी हो चुकी है और गवर्नमेंट की हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि एम डी कैट कभी भी पी एम सी की तरफ से नेशनल लेवल के ऊपर कंडक्ट ना हो बल्कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो। प्रोविंशियल लेवल पर टेस्ट होगा, आसान बनाया जाएगा, पासिंग क्राइटेरिया भी कम कर दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एम डी कैट को पास करेंगे और उसके बाद फिर ये होगा कि जितनी भी प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं जिनमें पिछले 1-2 सालों में हंड्रेड्स ऑफ एम बी बी एस एंड बी डी एस सीट जो है वो खाली बच जाती थी, तो वो सीटें अब खाली नहीं बचेंगी। और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर 45% बी डी एस और 55% एम बी बी एस के पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक भी सीटें कंप्लीट ना हुई तो इसमें फर्दर जो है वो पासिंग क्राइटेरिया को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो अब ये जो 1.5 से 2 माह का टाइम अवेलेबल है तो इसमें पी एम डी सी बड़े आराम से वापस आ सकती है और मीन वाइल तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ अपनी एंट्री टेस्ट की कंडक्शन के हवाले से प्रेपरेशन करेंगी, सारे का सारा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो प्रोविंसेस के पास चला जाएगा और अब आप एक्सपेक्ट करें कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। बाकी इससे रिलेटेड आपके जहनों में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में आपके साथ उसकी मुकम्मल डिटेल शेयर कर देंगे। एमडी कैट और नम्स एंट्री टेस्ट की बेहतरीन प्रेपरेशन के लिए premed.pk को ज्वाइन करें जहां आपको मिलेंगे 18,000 से ज्यादा एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक और तमाम एंट्री टेस्ट के पास पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और तमाम एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंट्री टेस्ट के दिन तक premed.pk को ज्वाइन करें सिर्फ 800 रुपए में। ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।